नोट बदलने के चक्कर में सारा हिंदुस्तान लाइन लगाकर खड़ा हो गया। वाह क्या खूब तरीका निकाला हमारे निज़ाम ने। लोग फुर्सत में होते या जेब में कितने 100, 50 के नोट हैं इसे लेकर फिक्रमंद नहीं होते, तो भारत पाकिस्तान संबंधों पर, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की यात्रा पर, विधानसभा चुनावों पर, गरीबी महंगाई पर चर्चा करते। अब चर्चा केवल इस बात की है कि उसके पास मुझसे अधिक खुले पैसे कैसे हैं। लोग बैंकों एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए तो सरकार के खिलाफ गुस्सा भी बाहर आने लगा। अभी नाराजगी पूरी उबाल पर पहुंची भी नहीं थी कि अचानक देश के कई हिस्सों में अफवाह फैल गई कि नमक खत्म हो गया है। हिंदुस्तानियों के जीवन से तो नमक यूं भी खत्म हो ही रहा है, लेकिन थाली में भी खत्म हो जाए तो सारा देश लो ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाए। गरीब तो यूं भी प्याज और नमक के सहारे रोटी खाते हैं। इस अफवाह ने जादू सा असर किया। मोदी जी हमें लाइन में खड़ा करवाकर खुद जापान चले गए हैं। इस बात को भूलकर लोग नमक की चिंता में पड़ गए और दौड़े किराना दुकानों की ओर। दुगुनी चौगुनी कीमतों पर नमक बिका। शुक्रवार शाम अचानक अफवाह फैली कि बाजार से नमक गायब हो गया है और दुकानदार महंगी कीमत में नमक बेच रहे हैं। इसके बाद ग्राहक परेशान होकर बाजार में उमड़ पड़े। विशेष रूप से दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में इस तरह की अफवाह फैली है। नमक की किल्लत और उसके दाम बढ़ने की अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि लोग 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए लगी कतारों से निकलकर नमक खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ने लगे। इन अफवाहों के कारण नमक की कीमतें अचानक आसमान छूने लगीं। कुछ स्थानों पर 500 रुपये प्रति किलोग्राम और उससे भी अधिक कीमत पर नमक बिका। इसके बावजूद लोगों ने 5 से 10 किलोग्राम तक नमक खरीद कर भंडारण कर लिया। हालांकि केंद्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील लोगों से की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने उत्तर प्रदेश में नमक की किल्लत की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि इसकी कीमत 14 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम ही है। वहीं यूपी पुलिस ने सभी जिले के पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया है कि वह अफवाह फैलाने वालों और अधिक कीमत पर नमक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। दिल्ली सरकार ने भी जनता से अपील की कि वे शहर में नमक की कमी की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस महत्वपूर्ण वस्तु की कोई कमी नहीं है। कहानी के अंत में हर बार यही बात सामने आती है कि कौवा कान लेकर नहीं उड़ा था, लोग ही उसके पीछे भागते रहे। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म ही रहता है। न जाने अफवाह को सच मानने के पीछे कौन सा मनोविज्ञान हिंदुस्तानियों पर हावी रहता है। लेकिन लोगों के मन की इस कमजोरी को भुनाना कुछ चालाक लोगों को बहुत अच्छे से आता है। इसलिए कुछ साल पहले गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने की अफवाह फैलाई गई थी और अब नमक की कमी की। हैरान परेशान आम भारतीयों को थोड़ी और परेशानी में डालकर न जाने कौन बंद कमरे में मुस्कुरा रहा होगा। नमक तुम हाथ में लेकर सितमगर सोचते क्या हो, हजारों जख्म है दिल पर जहाँ चाहो छिड़क डालो।